नाज़रीन, मैं हूं गुलाम अब्बास शाह और आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं तरीके लबैक पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा, जो ज़िमनी मुआहदा है वो तय पा गया है और अब जो TLP की डेडलाइन थी वो 20 अप्रैल तक चली गई है। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर यह मुआहदा हुआ था जो कि मरहूम खादम हुसैन रिजवी साहब के दरमियान और हुकूमत के दरमियान हुआ था। उस तमाम वाकये के ऊपर क्या वजूहात बनी और पहली दफा पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अब यह मुआहदा जाएगा जहां पर हुकूमत की तरफ से यह मुआहदा वहां पे पेश किया जाएगा और उसके बाद इसका तरीकाकार वजह किया जाएगा कि किस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान जो है वो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में अपना किरदार प्ले कर सकती है और किस तरीके से दुनिया को ये वाजे किया जा सकता है कि इस ये हमारे लिए एक रेड लाइन है जिसके ऊपर मुसलमान और खासकर पाकिस्तान पूरी दुनिया के जो मुसलमान है वो किसी सूरत पे भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इसकी डिटेल्स और इसकी सारी तफसीलात मैं आपके सामने इस वीडियो में रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि ये जो मुआहिदा ज़िमनी मुआहिदा हुआ है इसकी तस्दीक अब दोनों सतह पर कर दी गई है, TLP की तरफ से भी कर दी गई है और हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब खुद इसकी वजाहत कर चुके हैं कि यह मुआहिदा जो है वो 20 अप्रैल तक इसकी डेडलाइन चली गई है। अब किसी आपको ये समझना पड़ेगा पहले कि किसी हुकूमत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं, खातमुन नबीयीन हैं और पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर उनको भेजा गया उसके ऊपर अब वाज़े मौकफ आने का वक्त आ गया है और पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा में वो मुल्क बनने के लिए जा रहा है कि जो पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान ये वाज़े करेगा कि हमारे लिए एज ए मुस्लिम कितना अहम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और उनकी शान और उनका उनकी हस्ती जो है वो हमारे लिए कितनी अहमियत की हामिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान की अगर बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि हमारी हुकूमत ने बैनुल अक़वामी सतह पर मौकफ अपनाया और इसलिए नहीं कि हमें किसी से खौफ था बल्कि हमने वोट लेने के लिए नहीं बल्कि अपने अकीदे के मुताबिक इस मौकफ का अदा किया कि मगरिब ममालिक में एक फितना बैठा हुआ है जो मंसूबे के तहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है और वो ये सब इसलिए करता है कि मगरब में इन्हें समझ नहीं है कि हमारे जो नबी हैं आखिरी नबी हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में किस तरह बसते हैं। इमरान खान साहब ने बड़ी डिटेल इस हवाले से बताई और उन्होंने कहा कि ये मामला OIC और अक़वामे मुत्तहदा में उन्होंने उठाया है जैसा कि आप सबके इलम में है और हम कामयाब उन्होंने कहा कि उस वक्त होंगे जब दिगर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान भी इस पर इसी तरीके से बोलेंगे। इस वक्त सिर्फ मैं यानी कि इमरान खान साहब ने अपना जिक्र किया और टर्की के प्रेसिडेंट उर्दगान का जिक्र किया कि उन दोनों ने इस पर बात की है और उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में बात को मजीद आगे उन्होंने बताया कि जब तक 20 से 25 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान इस पर बात नहीं करेंगे तब तक दुनिया को शायद इसका अदारक नहीं होगा। लेकिन अब पाकिस्तान पहल करने के लिए जा रहा है, पाकिस्तान इस नए काम के लिए फ्रंट लाइन की हैसियत से आगे बढ़ रहा है और अब पार्लियामेंट में यह मामला आएगा और बिलाशुबा तमाम पॉलिटिकल जमातें और तमाम सियासी जमातों को इसकी हमायत और सपोर्ट करनी पड़ेगी और ऐसा मैसेज जाएगा पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातें और पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इसके ऊपर एक वाज़े और दो टोक मौकफ रखती है। अच्छा, मैं इसके आगे थोड़ी सी डिटेल बताता चलूं कि इमरान खान साहब का कहना था कि हम सबका मकसद है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेबा कलमात बोलता है उससे मिलकर कार्रवाई करें लेकिन यह असर मौसर तब होगा जब दीगर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान हमारे साथ आकर मिलकर बैठेंगे और इस बारे में अक़वामे मुत्तहदा में बात की जाएगी, इस बारे में इंटरनेशनल फोरम्स में बात की जाएगी और सारी जगहों पे बात की जाएगी। हुकूमत और TLP के दरमियान मुआहिदा क्या था? गुस्ताखाना खाकों की इशात के बाद फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने के मामले पर एक मुआहिदा तय पाया था और इस हवाले से मुआहिदे की दस्तयाब जो नकल है जो कि आप सब ने देखी होगी उसमें वाज़े तौर पर लिखा था कि तरीके लबैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान नामूस रिसालत के मामले पर 16 नवंबर 2020 को एक मुआहिदा हुआ जिस पर ताहाल TLP कहती है कि अमल दरामद नहीं हुआ। इस और साथ यह भी कहा गया कि इस मसले पर हुकूमत पाकिस्तान और तरीके लबैक के दरमियान गुज़श्ता एक माह से मुज़ाकरात जारी थे जो कि अब फाइनल नतीजे पे पहुंचे हैं जिसमें हुकूमत ने अपने अज़म को दोहराया है और मुआहिदे की शिकों को 20 अप्रैल 2021 तक
पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और फैसले पार्लियामेंट की मंजूरी से तय किए जाएंगे। आपको यह समझना पड़ेगा कि जब डिप्लोमेटिक ताल्लुकात मुनकता करने हो, किसी सफीर को निकालना हो, तो उसके लिए जरूरी यह होता है कि इत्तफाक राय से फैसला करें। और यह अच्छा भी है कि इत्तफाक राय से पूरी कौम, पूरे पाकिस्तान का एक मैसेज जाए कि यह हमारे लिए एक रेड लाइन है और इसको कोई भी मुसलमान और पाकिस्तानी किसी सूरत पर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब जो दोनों फरीकैन के दरमियान होने वाले मुआहदे के मुताबिक जो अब दोबारा जिमनी मुआहदा हुआ है, तरीके लबैक पाकिस्तान के जो लोग फोर्थ शेड्यूल पर डाले गए हैं इनके नाम निकाल दिए जाएंगे। मजीद ये कहा गया है कि 20 अप्रैल 2021 तक मुआहदे की रूह के मुनाफी कोई सरगर्मी पर मुआहदा मनसूख समझा जाएगा। अच्छा, आज के मुआहदे में मजीद जो तहरीरी चीजें सामने आई हैं, इस जिमनी मुआहदे का ऐलान वजीर आजम इमरान खान कर चुके हैं जैसा कि मैंने बताया, जिसके बाद यह मुआहदा नाफिजुल अमल होगा और इस पर अमल दरामद किया जाएगा। अच्छा, हुकूमत की तरफ से वजीर मजहबी अमूर जो है पीर नूरुल हक कादरी और वजीर दाखिला शेख रशीद साहब के दस्तखत इस वादे पे मौजूद हैं, जबकि तरीके लबैक की तरफ से इनकी शूरा के नुमाइंदगान गुलाम होस बगदादी कादरी रिजवी, जबकि डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीनी और गुलाम अब्बास फैजी शामिल है इस जिसके ऊपर दस्तखत है। अब मैं पस मंजर में थोड़ा सा लेके जाता हूं। आपको याद होगा कि 2020 में फ्रांस में सरकारी सतह पर पैगंबरुल इस्लाम आखिरी हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के गुस्ताखाना खाकों की इशात पर मुस्लिम दुनिया में सख्त रद्देअमल आया था और खासकर पाकिस्तान में भी इसकी शदीद अल्फाज में हुकूमती सतह पर भी, वजीर आजम के लेवल पर भी, फॉरन मिनिस्टर के लेवल पर भी, फॉरन ऑफिस के लेवल पर भी इसकी मजम्मत की गई थी। तरीके लबैक पाकिस्तान ने उस वक्त इस्लामाबाद में एहतजाज किया था जिसे हुकूमत के साथ 16 नवंबर मुआहदे के बाद खत्म कर दिया गया था। इस मुआहदे के दो रोज बाद ही 19 नवंबर 2020 को जो तरीके लबैक पाकिस्तान के सरबरा हैं मौलाना खादम हुसैन रिजवी, उनका इंतकाल हो गया था और नवंबर में होने वाले इस मुआहदे में हुकूमती फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने से मुतल्लिक 3 माह में पार्लियामेंट से फैसला लेने का कहा गया था। फ्रांस में अपना सफीर मुकर्रर नहीं करेगी, हुकूमत ने यह भी यकीन दानी कराई थी, और TLP के तमाम गिरफ्तार कारकुन को रहा किया जाएगा। मजीद ये कि हुकूमत ने धरने के होने के बाद TLP के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेगी, इसकी यकीन दानी भी उस वक्त करवाई गई थी। गर्चे आखिरी दो मुतालबात फौरी तौर पर मान लिए गए थे, लेकिन पहला मुतालबा जेरे इल्तवा था। बाद अज़ां उसके बाद यह हुआ कि TLP ने जनवरी में खबरदार किया था जब मौलाना साद रिजवी जो कि तरीके लबैक पाकिस्तान के नए सरबरा हैं और मौलाना खादम हुसैन रिजवी साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने खबरदार किया था कि हुकूमत ने अगर 17 फरवरी तक तोहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने का अपना वादा पूरा ना किया तो वो दोबारा एहतजाज करेंगे। और उन्होंने वाज़ेह कर दिया था कि अब दोबारा हम सड़कों पे निकलेंगे इस मामले को लेकर के। और जो मौलाना खादम हुसैन रिजवी के चेहलम के मौके पर मौलाना साद रिजवी ने हुकूमत को ये खबरदार किया था कि अगर आप अपना वादा भूल गए तो हमारी तारीख देख लें। हम उनके, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा था कि अगर आप अपना वादा भूल गए तो हमारी तारीख देख लें, हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामोस के लिए मरने के लिए तैयार हैं और आपके पास फ्रांसीसी सफीर को निकालने के लिए 17 फरवरी तक का वक्त है। ये अल्फाज थे मौलाना साद रिजवी के जो कि उन्होंने चेहलम के मौके पर अदा किए थे, जिसके बाद अब हुकूमत की तरफ से मुजाकरात किए गए उनसे और मजीद वक्त मांगा गया और उनकी तरफ से भी लचक का मुजाहरा किया गया और ये कहा गया कि 20 अप्रैल तक अगर हुकूमत इस सिलसिला में कानून साजी कर देती है और पार्लियामेंट में यह मामला ले आती है और पार्लियामेंट इस सिलसिला में वाजे कर देती है मामला, तो हमें कोई हर्ज नहीं होगा इस मामले में। तो अब दोनों इत्तफाक राय के बाद सबसे बड़ी पेशरफ्त यही है कि अब पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, वो डिसाइड करेगी। इसमें बिलाशुबा अपोजिशन को और तमाम पॉलिटिकल जमातों को अपना रोल प्ले करना होगा और इसकी इस वजह से हुकूमत के ऊपर दबाव भी होगा और अपोजिशन पार्टीज के ऊपर भी दबाव होगा, क्योंकि आईने पाकिस्तान की बात की जाए तो आईने पाकिस्तान बिल्कुल वाजे है कि इस्लाम कानून का कुरान और सुन्ना के मुनाफी कोई कानून नहीं होगा और पैगंबरुल आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए हमारी जानों से भी बढ़कर हैं, हमारी औलाद, माँ बाप, सबसे ज़्यादा
हमारे लिए अजीज है, उस उनकी शख्सियत के ऊपर, उनकी हस्ती के ऊपर किसी किस्म का भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी जिससे एक दूसरे मुस्लिम ममालिक को भी एक एक राह पाकिस्तान हमवार करेगा कि वो भी अपने अपने ममालिक में कानून साजी करें और अपने अपने ममालिक में इस सिलसिला में मोसर आवाज जो है वो बुलंद करें। फिलहाल तो ये एहतजाज जैसा कि मैंने बताया कि 20 अप्रैल तक टल चुका है, लेकिन ये बात हकीकत है कि इसके ऊपर अगर इमरान खान की हुकूमत ये जो मुआहिदा हुआ है इसकी रूह के ऊपर अमल करते हुए पार्लियामेंट में ये सारे मामले को ले आती है तो ये उनके लिए भी एक क्रेडिट होगा और उनके लिए भी एक अच्छी बात होगी कि वो इतना बड़ा काम अल्लाह ताला की जात उनसे लेने के लिए जा रही है। आने वाली वीडियो में इस हवाले से जो भी पेशरफ होगी दोबारा आपके सामने हाजिर होगा। फिर वक्त के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।